हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे BA, BCom, BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो, आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सप्लीमेंट्री से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, रीचेकिंग से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए, पूरा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होगा। देखिए, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स पर कमेंट में सवाल किए थे कि हम एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आए हुए हैं, हम 5 नंबर के लिए हमें सप्लीमेंट्री दिया गया, कई लोग कहते हैं हमें 4 नंबर के सप्लीमेंट्री दिया गया है, कई लोग कहते हैं हमें 5 नंबर के सप्लीमेंट्री दिया गया है, हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोग को 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम है रीचेकिंग का फॉर्म भर देना है, दूसरा काम है सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भर देना है। क्या सप्लीमेंट्री और रीचेकिंग फॉर्म एक साथ आता है? नहीं, पहले रीचेकिंग का फॉर्म आता है, रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर रीचेकिंग का फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, कॉलेज में जाके एक बार पता करके आ सकते हैं कि रीचेकिंग का फॉर्म कब से भरना पड़ेगा। रीचेकिंग का फॉर्म आप भर दोगे, कुछ दिन बाद सप्लीमेंट्री का फॉर्म आता है, फिर आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भर देना। समझ पर, आप सप्लीमेंट्री आए हुए हो, रीचेकिंग का फॉर्म पहले आता है तो रीचेकिंग का फॉर्म आप भर दो, कुछ दिन बाद सप्लीमेंट्री का फॉर्म आता है तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी आप भर दो। सबसे पहले आपका रीचेकिंग का रिजल्ट आता है, रीचेकिंग का जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम होता है। रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा, यदि आप पास हो गए तो सप्लीमेंट्री के एग्जाम में मत बैठना। रीचेकिंग का रिजल्ट आने के बाद यदि आप उसमें पास नहीं हो पाए तो सप्ली का फॉर्म तो आप पहले से भर के रखे थे, तो सप्ली का एग्जाम वहाँ पे दिला लेना। उम्मीद करता हूँ ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बहुत लोग का ये डाउट था कि वो लोग ये सोच रहे थे या तो हम रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं या तो हम सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बता दूं, आप रीचेकिंग का फॉर्म भरोगे उसके साथ ही साथ कुछ दिन बाद सप्ली का आता है तो सप्ली का फॉर्म भी भर देना। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं रीचेकिंग का फॉर्म भर दी हूँ, अब रीचेकिंग का रिजल्ट आने का वो लोग वेट करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं रीचेकिंग का रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई तो अच्छा है। अब रीचेकिंग का फॉर्म भरे हो और रीचेकिंग का रिजल्ट आ गया और आप पास नहीं हो पाए और आप पहले से सप्लीमेंट्री फॉर्म नहीं भर चुके हो तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। रीचेकिंग के रिजल्ट आने के बाद सप्ली का फॉर्म क्लोज हो जाया रहता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि रीचेकिंग का फॉर्म अभी भर दो, आएगा तो रीचेकिंग के कुछ दिन बाद, रीचेकिंग का फॉर्म आने के कुछ दिन बाद सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी आता है तो उसका फॉर्म भी भर देना। आप रीचेकिंग का फॉर्म भी भर दो, कुछ दिन बाद सप्लीमेंट्री का फॉर्म आएगा उसको भी भर दो, इससे आपका नुकसान नहीं है, फायदा में हो गए। रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा, पास हो गए तो अच्छा है, फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरे ही रहोगे, उसके बाद आप सप्ली का एग्जाम दिला लेना। अगस्त और सितंबर महीने के बीच में रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम वहां पर होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जो फेल है ऐसे स्टूडेंट क्या करें? तो देखिए, 2 सब्जेक्ट में जो फेल होंगे वो स्टूडेंट रीचेकिंग में भी डाल दीजिए, क्योंकि जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं वो तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अभी जो सप्लीमेंट्री का आएगा वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म फेलियर स्टूडेंट नहीं भर सकती हैं, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट में फेल है ऐसे स्टूडेंट के लिए एक मौका है, वो मौका है रीचेकिंग। हो सकता है आप फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में और मैथ्स के फर्स्ट पेपर में आप फेल हो गए होंगे। फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में पास होने के लिए आपको 5 नंबर चाहिए, मैथ्स के फर्स्ट पेपर में पास होने के लिए आपको 8 नंबर चाहिए। ओके, आप क्या करना, दोनों में रीचेकिंग डाल दो। जब आपका पेपर चेक होगा, हो सकता है मैथ्स में आप पास हो गए रीचेकिंग में, अब फिजिक्स में रीचेकिंग हुआ लेकिन फिजिक्स में आप पास नहीं हो पाए, तो अब क्या होगा पता है आपको? 2 सब्जेक्ट में आप फेल थे, दोनों में रीचेकिंग डाल दिए, रीचेकिंग के एक पेपर में हो गए पास, एक पेपर में अभी भी पास नहीं हुए, तो यहाँ पर अब आपको फेल नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम दिलाने के लिए बोला जाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे तब तक तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म क्लोज हो चुका होगा, तो अब क्या करें? तो ऐसे ही स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाकर, प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल सर से मिलना पड़ेगा और प्रिंसिपल सर को ये बताना पड़ेगा कि सर, मैं 2 पेपर में फेल था और फेल थी, मैं रीचेकिंग में फॉर्म भरा था, भरी थी, और उनमें से एक पेपर में मैं पास हो गई और एक पेपर में मैं पास नहीं हो पाई हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे सप्लीमेंट्री दिलाना है और फॉर्म क्लोज हो चुका है, तो आप प्लीज़ मुझे सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में बैठने का एक बार मौका दीजिए, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम यहाँ पर दिलाने का मौका दीजिए। तो प्रिंसिपल या प्रिंसिपल जी क्या करेंगे, आपको एक कागज़ में कुछ कुछ लिख के देंगे और यहाँ पर आपको सब चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके, डेट भी बता देंगे कब आपको दिलाना है। ओके, तो आप ऐसा वेट मत करना कि ऑनलाइन फॉर्म आएगा, क्योंकि आप पहले फेल थे, फेल होने के बाद रीचेकिंग में डाले,
उसके बाद एक में पास हो गए और एक में अभी भी फेल थे, तो फेल नहीं, अब सप्लीमेंट्री मिल गया, तो सप्लीमेंट्री मिल गया तो यहाँ पर ऑनलाइन नहीं जारी होते इसका फॉर्म, आपको प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल सर से जाके आपको मिलना पड़ता है और आपको उनको बताना पड़ता है, तब वो आपको बताएंगे ओके, फिर आप दिलाओगे। उम्मीद करता हूँ ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। एक भाई साहब ने कमेंट किया था सप्ली में 5 चाहिए, सप्ली में 5 नंबर चाहिए ओके, और मैं रीचेकिंग का फॉर्म भर दी हूँ। अब रीचेकिंग कॉपी चेक होगा तो हो सकता है 5 में से मुझे 4 नंबर मिल गया लेकिन 1 नंबर नहीं मिल पाया, तो क्या मुझे फेल कर देंगे या मुझे सप्ली का एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा? नहीं, उस कंडीशन में आपको 1 नंबर ग्रेस दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? फिर से सुनिए, सप्लीमेंट्री आप इसलिए आओ क्योंकि आपको 5 नंबर चाहिए, आप रीचेकिंग में डाल दिए फॉर्म, पेपर आपका फिर से चेक हुआ, अब 5 चाहिए लेकिन 4 मिला रीचेकिंग में, 1 नहीं मिला, तो 1 नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं, वहाँ पर आपको ग्रेस दे देगा। रीचेकिंग में जब चेक कराओगे ना 2-3 नंबर 4 नंबर आपको ग्रेस दे देगा, टेंशन मत देना, पास हो जाओगे आप ओके। और क्या डाउट था बता तो दिया हूँ कि अगस्त सितंबर में रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा, और जिस समय रीचेकिंग का फॉर्म आता है उसे कुछ दिन बाद ही सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी आ जाएगा, तो दोनों फॉर्म आप भर लेना, गड़बड़ मत करना, पहले बता रहा हूँ मैं ओके। अब कई लोग बोलते कि मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ, तो 3 सब्जेक्ट में फेल है वो सप्ली में रीचेकिंग में भी नहीं डाल सकते हैं भाई ओके, सप्लीमेंट्री नहीं दिला सकते, 3 सब्जेक्ट में जो फेल होते हैं ना उनके लिए ज़्यादा कंडीशन नहीं होता, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप दोबारा से आप मेहनत कीजिए, दोबारा से आप पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप बेटर परफॉर्म कीजिए, आपने यार अपना मनोबल मत गढ़ाइए, बढ़ाइए घटाइए, आप अपना मनोबल अपना साहस आप बढ़ाइए, डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि ये लाइफ है जिंदगी, जिंदगी में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक बार आप हार मान गए तो कोई टेंशन नहीं, दोबारा से आप मेहनत कीजिए, दोबारा से आप उठिए, यकीन मानिए जब दोबारा से आप उठोगे ना तो आप पिछला ज्ञान भी लेके आओगे और इस टाइम जो सीखे रहोगे इसके साथ भी आप एग्जाम में बैठोगे, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो उन सभी से निवेदन है जो फेल हो चुके होंगे 3 सब्जेक्ट में, उनका पास होने का ज़्यादा चांस नहीं रहता है भाई, तो आप लोग प्लीज़ यार दोबारा से मेहनत कीजिए और नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और ये मान के चलिए कि इस बार दोबारा दिलाऊंगी पूरी जोश होश के साथ अच्छा मार्क्स लाऊंगी ये सोच के आप एग्ज़ाम में बैठना ओके। कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और क्या डाउट है यहाँ पे देखते हैं यार, कॉपी में बेसिकली पूरा डाउट लिखा था मैं। हाँ, रिजल्ट के ऊपर बात कर लेंगे लास्ट में जाते जाते, तो रिजल्ट है तो यार आप जानते हैं कि आज 7-8 तारीख हो गया, कोई अपडेट नहीं आया अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से, हो सकता है आज दोपहर के समय किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाए, बीए का ही आ जाए फर्स्ट का, बीएससी का ही आ जाए सेकंड का, कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं बता सकते भाई, प्रोबेबिलिटी बहुत आएगी निकालेंगे तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई न्यूज़ ना कोई खबर, सब गुमसुम माहौल है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं है, बस वेट करना है भाई आपको, जब रिज़ल्ट आता है पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे से पहले तो आप लोगों को चला पता चल जाता है, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है, रिज़ल्ट आपका कब आया कितने समय आएगा, यूनिवर्सिटी कभी भी किसी भी समय लॉन्च कर देती है उसका कोई भरोसा नहीं है। जुलाई आ गया लेकिन जुलाई में तो पूरा रिजल्ट आपको देंगे, अगस्त तो नहीं खींचेगा, सेशन तो आपको लेट हो ही चुका है, यूनिवर्सिटी को क्या ही बोले भाई, आप लोग यार अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, और जो भी भाई लोग नर्वस हो रहे हैं प्लीज़ नर्वस मत होइए। तो देखो यार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ भाई, कई लोग ना एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और देखते हैं कि मैं फेल हो गया, अरे यार मुझे बहुत कम नंबर मिल गया, तो ना बार बार इसी को सोचते रहते हैं कि मैं फेल हो गया, पता है लोग सुसाइड इसीलिए करते हैं, वो ना सिर्फ एक बंद कमरे में यार एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं कि फेल हो गई, अब मैं क्या होगा, मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार को मैं क्या जवाब दूंगी, वो ना एक बंद रूम में यार सिर्फ इसी बात को सोचते रहते हैं, क्या होगा, मतलब माइंड में इसी को बार बार सोचते रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये जो फेलियर शब्द है, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जो फेलियर है, इस चीज़ को मैं साइड रख के रूम से बाहर निकल के सब दिशाओं को देख लेता हूँ कि मेरे पास कितने ऑप्शंस है। आप एक छोटा सा पर्टिकुलर टेंशन, यानी कि जो फेलियर है ना, जिस सब्जेक्ट पर्टिकुलर फेल हो रहे हो इसी वजह से आप तनाव में हो रहे हो, इस तनाव के आप बाहर छोड़िए, ये छोटा सा चीज़ को बाहर सोच के आप बाहर की दुनिया में निकले और देखिए ये चीज़ को छोड़ दूंगा मेरे पास तो ये ऑप्शन भी भाई, मेरा तो टैलेंट, मेरा तो हॉबी ये चीज़ भी तो ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ, अभी ये नहीं मैं कर पाया, ये मैं नहीं कर पाई, मुझे तो अच्छा सा पेंटिंग करने आता है, मुझे तो अच्छा मेहंदी बनाने आता है, मुझे तो अच्छा टाइपिंग आता है,
मुझे तो अच्छा गाना आता है, तो क्यों ना मैं इस फील्ड में करियर बढ़ा लूँ, इस फील्ड में अपना हाथ बटा लूँ, ये आप बाहर निकल के सोचा करो। ओके, आप पर्टिकुलर एक पॉइंट पर डिप्रेस्ड हो, एक पॉइंट पर फेलियर हो रहे हो, छोड़ दीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को। आप जिंदगी में आपके बहुत रास्ते हैं, जिंदगी में आप बाहर निकल के तो देखिए हजारों रास्ते हैं भाई, हजारों रास्ते हैं। तो पर्टिकुलर यार एक पॉइंट के बारे में मत सोचा करो, आप उसको हटा दो। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन पर भी आप फोकस करो। ओके, तो कोई भी स्टूडेंट यार यहाँ पर टेंशन तनाव मत लेना, सब में क्रिएटिविटी है, सब में पावर है, सब में यूनिटी है। हर इंसान यार हर चीज़ नहीं कर सकता, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, पढ़ाई ही हर चीज़ नहीं है भाई जिंदगी में आगे बढ़ने का। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, तो आप उन सभी चीज़ पर भी ट्राई करना, एक ही चीज़ को मत ले जाना। अब फेल हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा से मेहनत कर लेना। ओके, कोई डाउट होता कमेंट करना भाई, वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना। और एक वीडियो लॉन्च किया था सप्लीमेंट्री रीचेकिंग रीटोटलिंग, इन सब के ऊपर बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो समझ में आया हो, कोई भी डाउट होता है भाई कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।